So we have the collection type of data types in Python. So in Python, we have the four types of collection type data types. So first we are going to discuss that is the list. So what is meant by list case? List is what? Order wise data means whenever we want to preserve the orders, means insertion order is preserved. Okay. So in that case, we have to use the list. Insertion order is preserved means what? कि अगर मेरे पास में कोई डेटा है इन द फॉर्म ऑफ द इंसर्शन ऑर्डर, लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने जो है 10 स्टोर किया है, देन मैंने 20 स्टोर किया है, देन मैंने 30 स्टोर किया, देन मैंने 40 स्टोर किया, इस ऑर्डर में अगर मेरे पास में डेटा है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरा ऑर्डर जो अगर प्रिजर्व रहता है, तो जब हम लोग उस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो क्या करेगा, उसी ऑर्डर में क्या करेगा, मेरा डेटा मेंटेन करेगा। मीन्स मुझे यहाँ पे कोई भी डेटा जो रहेगा इस उसी ऑर्डर में रहेगा जिस ऑर्डर में मैंने डेटा को पास किया है कीबोर्ड से। सो इन सच केस वी कैन से दैट दिस इज द लिस्ट। इन केस ऑफ लिस्ट दैट इज हेट्रोजीनियस डेटा इज पॉसिबल इन दिस केस। ओके, मींस लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एरेस की अगर बात करूं तो इफ यू आर क्रिएटिंग द इंटीजर्स एरे तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करूंगा। लेकिन अगर मैं लिस्ट की बात करता हूं तो लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली द पीपल कमिंग फ्रॉम द जावा, सो जावा में भी हमारे पास में लिस्ट एक हमारे पास में इंटरफेस होता है, उसके पास में नंबर ऑफ सब क्लासेस लाइक एरे लिस्ट लिंक लिस्ट। तो सेम हियर कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हेट्रोजीनियस डेटा इज पॉसिबल। If you want to represent this list, so we have to use the square bracket. तो हमारे पास में square bracket होता है, जो हम लोग represent करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब भी मैं list use करूँगा, तो मुझे क्या करना है, square bracket use करना है। Then duplicate data are allowed. तो हमारे पास में जो है duplicate data हम इसमें store कर सकते हैं। Means अगर मेरे पास में 10 अगर मुझे 2 times store करना है, so that is possible with the help of the list. Okay? Then we have the list by nature it is growable. कि for example मेरे पास में 10 numbers है उसमें list में, ठीक है, और मैं 11th नंबर उसमें स्टोर करना चाहता हूं, व्हाट इट विल डू, इट विल बी स्टोर एंड इट विल बी ग्रो। ओके, सो ऑफ कोर्स नो नीड टू मेंटेन द साइज ऑफ दिस लिस्ट, नो नीड टू मेंशन द लाइक अदर जो लैंग्वेजेस हम लोग एरेज वगैरह क्रिएट करते हैं उस टाइप से, ये क्या करता है आपका ग्रोएबल रहता है। मींस व्हेनेवर वी आर एडिंग एनी ऑब्जेक्ट्स एनी वैल्यूज सो इट विल बी ग्रो। ओके, एंड इट इज अ म्यूटेबल, लाइक सपोज आई वांट टू परफॉर्म द टास्क, सो वी आर क्रिएटिंग अ लिस्ट दैट इज एल वी आर गोइंग टू क्रिएट। सो हाउ वी कैन क्रिएट द लिस्ट, सपोज आई एम क्रिएटिंग, so we have to use the square bracket, okay? तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे square bracket use करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, suppose 10 comma 22.6 suppose I have value, then I am having that is one of the variable that is suppose boolean type of data we are mentioning, then we have the false value, then suppose I want to again use the duplicate value, okay? So here we have the 10, so again I can mention the 10. Suppose I want to mention the my name, okay? So we can mention the name in single quote or double quote. So that is also possible with the help. Matlab means heterogeneous data we can store in the list. So if you want to print the list L, so it will show that result ki ye kya karega, aapka print karega. Now one of the point was there that is it maintains the order. Okay, what is mean by order? So insertion order is preserved. Mean जिस format में मैंने data insert किया उसमें उसी format में क्या करेगा, वो data आपका print करेगा। Okay, किस format में data था हमारे पास में? Let's check. सबसे पहले हमारे पास में 10 था, 10 is there. 22.6, yes 22 point is there. तो 2 false 10, तो इसी format में हमारे पास में data available है. That is called preserve the insertion order. Okay, so insertion order is preserved in case of the list. Then what we have to do? Suppose I want to print the first number, okay? So we can directly print that is L of 0 I want to print, okay? So we can print it. Suppose I want to print that is L of minus 1, okay? We have already discussed today. So we can print this, okay? और मुझे अगर मान लीजिए पर्टिकुलर एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स के नंबर के बीच में अगर मुझे प्रिंट करना है डेटा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एल में हम लोग जो है स्लाइसिंग कर सकते हैं। सर व्हाट इज मीन बाय स्लाइसिंग, हमने स्ट्रिंग के साथ में स्लाइसिंग यूज किया है तो आपको याद होगा स्लाइसिंग। तो सपोज मैं चाहता हूं कि 2 से लेके 4 तक मेरे पास में डेटा है, तो ये आपको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। सपोज मैं 2 से लेके जो है 6 तक डेटा चाहता हूं, तो ये आपका डेटा प्रिंट करेगा। तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स से दूसरे पर्टिकुलर इंडेक्स से मुझे डेटा प्रिंट करना है, तो मुझे उसके लिए फॉर लूप या अदर जो लूप से जो हम लोग एक एक डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं वो करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, उसमें स्लाइसिंग यूज कर सकता हूँ। बट ऑफकोर्स हम लोग जो है इसमें शेल में हम लोग जो आईडीएली जो रहता है उसका वो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसा मेंशन करना है। बट इन केस ऑफ लाइक वी आर क्रिएटिंग द फाइल लाइक .py फाइल इफ यू आर क्रिएटिंग, सो इन दैट केस वी हैव टू राइट दिस इन द प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट में लिखना पड़ेगा, प्रिंट एल ऑफ क्या करना पड़ेगा, प्रिंट में 2, 2, 6, ओके,
तो ये आपको प्रिंट में लिखना पड़ेगा, तो फिर सेम आउटपुट. ओके, मींस व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग डॉट पाय फाइल, सो आपको इस तरीके से लिखना है, बट आई एम यूजिंग दिस शेल. ओके, शेल कमांड प्रॉम्प्ट, सो वी कैन यूज लाइक दिस. सो बाय यूजिंग फॉर लूप ऑफ कोर्स वी कैन प्रिंट डेटा. तो क्योंकि फॉर लूप में ये जो डेटा आ रहा है, ये आपका डेटा कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, आपका लिस्ट फॉर्मेट में आ रहा है. लाइक सपोज, अब मुझे कैसे पता कि मेरा जो वेरिएबल है वो लिस्ट टाइप का है, हाउ वुड आई नो? सो यू कैन चेक दिस टाइप. ओके, सो बाय मेंशनिंग द टाइप. ओके, सो लाइक लिस्ट, व्हाट इज द क्लास, दिस इज द लिस्ट. ओके, सो एल इज व्हाट टाइप, एल इज अ लिस्ट टाइप. ठीक है, L is a list type. So by using for loop, we can also print the data. Okay, how we can print it? It is possible. For suppose I in L, और मेरे पास में मुझे दो कोलन मेंशन करना है, और क्या करना है मुझे, प्रिंट यूज करना है. देन प्रिंट में मैं क्या करूंगा, एक I को प्रिंट करूंगा, देन हम लोग जो है इसको एंटर, देन अगेन एंटर, तो इट विल प्रिंट ऑल द डेटा. मीन्स व्हेनेवर सपोज वी हैव अ रिक्वायरमेंट, लाइक सपोज आप मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं, तो मशीन लर्निंग में आपके पास में कुछ डेटा है जो लिस्ट में डेटा प्रेजेंट है, उस लिस्ट का डेटा मुझे क्या करना है, सपोज आपके पास में कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज है जिसका आपको चार्ट में, आपको कुछ चार्ट्स में आपको डेटा डिस्प्ले करना है. ठीक है, तो वो डेटा आपके पास में लिस्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर लूप यूज करना पड़ेगा. फॉर लूप में हो क्या रहा है कि मेरा डेटा जो भी प्रेजेंट है एल में, वो क्या करेगा, वन बाय वन आई में स्टोर होगा, और मैं आई को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, वन बाय वन डेटा एल से लेगा, मतलब लिस्ट से लेगा, और वो प्रिंट करेगा. ओके, तो इन द सेम केस सपोज आई वांट टू स्टोर द डेटा इनटू डेटाबेसेस. ओके, मुझे कुछ चार्ट्स में उसके बाय जो आपके जो नंबर ऑफ जो चार्ट्स हम लोग क्रिएट करेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू, तो उस केस में आपको फॉर लूप यूज करना है वन बाय वन डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए. बट अगर मुझे डायरेक्टली डेटा प्रिंट करना है, सो यू कैन यूज डायरेक्टली दिस कमांड, कि मुझे सिर्फ डेटा प्रिंट करना है, तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमें क्या करना है, लिस्ट यूज करना है. और लिस्ट के साथ में जो है हमारे पास में कुछ अदर फंक्शंस भी होते हैं, लाइक अपेंड फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं. तो अपेंड फंक्शन का काम होता है इस लिस्ट में कुछ डेटा अपेंड करना. सो लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में एक लिस्ट है, तो मेरे पास में एल ऑलरेडी है, तो एल को अगर मैं प्रिंट करता हूं तो मेरे पास में इतना डेटा ऑलरेडी आ गया. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, दैट इज एल डॉट अपेंड यूज करता हूं. ओके, एल डॉट अपेंड फंक्शन, और अपेंड में जो है मैं ऐड करना चाहता हूं, दैट इज प्रशांत. ओके, प्रशांत आई एम एडिंग हियर, सो व्हाट इट विल डू, इट विल बी अपेंड. ओके, देन लेट्स प्रिंट. तो ये देखिए कि स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. इतना इजी ऑपरली हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सिमिलरली अगर मुझे रिमूव करना है, ओके, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन रिमूव ऑल्सो. तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक रिमूव नाम का फंक्शन है हमारे पास में. तो रिमूव में अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए, मैंने यहाँ पे सपोज मैं रिमूव में पास करता हूँ, दैट इज 22.6. ओके, तो ये क्या करेगा, आपका रिमूव कर देगा डेटा वहां से. ठीक है, तो हमारे पास में एक रिमूव नाम का भी फंक्शन अवेलेबल है, हम लोग उसको मेथड्स भी बोलते हैं. देन वी हैव दी, दैट इज हमें अगर उसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो लिस्ट का मल्टीप्लीकेशन भी होता है. ओके, कैसे मल्टीप्लीकेशन होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एल टू नाम का एक मेरे पास में लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एल मल्टीप्लाई बाय टू. सो वॉट वॉज द एल, एल वॉज लाइक 10 ट्रू फॉल्स ट्रेन आशीष प्रशांत. तो ये क्या करेगा, L का मल्टीप्लीकेशन करेगा टू टाइम्स, देन इट विल प्रिंट. ओके, सो लेट मी प्रिंट द L2. ओके, वी कैन यूज L2, सो इट विल बी प्रिंट डेटा ट्वाइस. ओके, ऑफ कोर्स वी कैन यूज दिस प्रिंट कमांड टू प्रिंट दिस L2. ओके, सो इट विल बी प्रिंटेड. सो यू कैन यूज दिस लिस्ट हियर. ओके,